वर्षों पहले हिमालय के किसी कंदरा में एक बलिष्ठ शेर रहा करता था। एक दिन वह भैंसों का शिकार और भक्षण कर अपनी गुफा को लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक मरियल सा सियार मिला, जिसने उसे लेट कर दंडवत प्रणाम किया। जब शेर ने उससे ऐसा करने का कारण पूछा तो उसने कहा, सरकार, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ, कृपया मुझे आप अपनी शरण में ले ले, मैं आपकी सेवा करूँगा और आपके द्वारा छोड़े गए शिकार से अपना गुजर बसर कर लूँगा। शेर ने उसकी बात मानी और उसे मित्रवत अपनी शरण में रखा। कुछ ही दिनों में शेर द्वारा छोड़े गए शिकार को खा कर वह सियार बहुत मोटा हो गया। प्रतिदिन सिंह के पराक्रम को देख उसने भी स्वयं को सिंह का प्रतिरूप मान लिया। एक दिन उसने सिंह से कहा, अरे सिंह, मैं भी अब तुम्हारी तरह शक्तिशाली हो गया हूँ। आज मैं एक हाथी का शिकार करूँगा और उसका भक्षण करूँगा और उसके बच्चे को से मांस को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। चूंकि सिंह उस सियार को मित्रवत देखता था, इसलिए उसने उसकी बात को बुरा न मान उसे ऐसा करने से रोका। भ्रम जाल में फंसा हुआ वह दम्भी सियार सिंह के परामर्श को अस्वीकार करता हुआ पहाड़ की चोटी पर जा खड़ा हुआ। वहां से उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो पहाड़ के नीचे हाथियों के एक छोटे से समूह को देखा। फिर सिंह नाद की तरह 3 बार सियार की आवाजें लगाकर एक बड़े हाथी के ऊपर कूद पड़ा, किंतु हाथी के सिर के ऊपर न गिरे वह उसके पैरों पर जा गिरा और हाथी अपनी मस्तानी चाल से अपना अगला पैर उसके सिर के ऊपर रख आगे बढ़ गया। क्षण भर में सियार का सिर चकनाचूर हो गया और उसके प्राण वहीं पर खत्म हो गए। पहाड़ के ऊपर से सियार की सारी हरकतें देखते हुए सिंह ने तभी यह गाथा कही, होते हैं जो मूर्ख और घमंडी, होती है उनकी ऐसी ही गति। तो इस कहानी से बच्चों में क्या सीख मिलती है कि कभी भी जिंदगी में किसी भी समय घमंड नहीं करना चाहिए हमें। तो मिलते हैं ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, और साथ में बताइएगा कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों की आपको कहानी कैसी लगी। बाय बाय। गोलू मोलू और पक्के दोस्त थे। गोलू जहाँ दुबला पतला था, वहीं मोलू मोटा गोल मटोल। दोनों एक दूसरे पर जान देने का दम रखते थे, लेकिन उनकी जोड़ी देखकर लोगों की हंसी छूट जाती। एक बार उन्हें किसी दूसरे गांव में रहने वाले मित्र का निमंत्रण मिला। उन्हें अपनी बहन की विवाह के अवसर पर बुलाया था। उनके मित्र का गांव कोई बहुत दूर तो नहीं था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जंगल से होकर गुजरना पड़ता था और उस जंगल में जंगली जानवरों की भरमार थी। दोनों चल दिए। जब वे जंगल से होकर गुजर रहे थे तो उन्हें सामने से एक भालू आता दिखा। उसे देखकर दोनों भय से थर थर कांपने लगे। तभी दुबला पतला गोलू तेजी से दौड़कर एक पेड़ पर जा चढ़ा, लेकिन मोटा होने के कारण मोलू उतना तेज नहीं दौड़ सकता था। इधर भालू भी निकट आ चुका था, फिर भी मोलू ने साहस नहीं खोया। उसने सुन रखा था कि भालू मृत शरीर को नहीं खाते। वह तुरंत जमीन पर लेट गया और सांस रोक ली। ऐसे अभिनय किया कि मानो शरीर में प्राण ही ना हो। भालू गुरगुराता हुआ मोलू के पास आया, उसके चेहरे व शरीर को सूंघा और उसे मृत समझकर आगे बढ़ गया। जब भालू काफी दूर निकल गया तो गोलू पेड़ से उतरकर मोलू के निकट आया और बोला, मित्र, मैंने देखा था भालू तुमसे कुछ कह रहा था। क्या कहा उसने? मोलू ने गुस्से में भरकर जवाब दिया, मुझे मित्र कहकर ना बुलाओ। और ऐसा ही कुछ भालू ने भी मुझसे कहा है। उसने कहा, गोलू पर विश्वास न करना, वह तुम्हारा मित्र नहीं है। सुनकर गोलू शर्मिंदा हो गया। उसे आभास हो गया था कि उससे कितनी बुरी भूल हो गई थी। उसकी मित्रता भी सदैव के लिए समाप्त हो गई। शिक्षा क्या मिलती है इस कहानी से? बच्चों के सच्चा मित्र वही है जो संकट में काम आए, समझे? मिलते हैं अगली प्यारी सी कहानी के साथ। कमेंट में बताना आपको कहानी कैसी लगी। बाय बाय। एक जंगल में एक शेर रहता था। गीदड़ उसका सेवक था। जोड़ी अच्छी थी। शेरों के समाज में उस शेर की कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि वह जवानी में सभी दूसरे शेरों से युद्ध हार चुका था, इसलिए वह अलग धलग रहता था। उसे गीदड़ जैसे चमचे की सख्त जरूरत थी, जो 24 घंटे उसकी चमचागिरी करता रहे। गीदड़ को बस खाने का जुगाड़ चाहिए था। पेट भर जाने पर गीदड़ उस शेर की वीरता के ऐसे गुण गाता कि शेर का सीना फूलकर दुगना चौड़ा हो जाता। एक दिन शेर ने एक बिगडैल जंगली सांड का शिकार करने का साहस कर डाला। सांड बहुत शक्तिशाली था। उसने लात मारकर शेर को दूर फेंक दिया। जब वह उठने को हुआ तो सांड ने फाफा करते हुए शेर को सींगों से एक पेड़ के साथ रगड़ दिया। किसी तरह शेर जान बचाकर भागा। शेर सींगों की मार से काफी जख्मी हो गया था। कई दिन बीते, परंतु शेर के जख्म ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसी हालत में वह शिकार नहीं कर सकता था। स्वयं शिकार करना गीदड़ के बस का नहीं था। दोनों के भूखे मरने की नौबत आ गई। शेर को भी यह भय था कि खाने का जुगाड़ समाप्त होने के कारण गीदड़ उसको छोड़ न जाए। शेर ने एक दिन उसे सुझाया,
देख, जख्मों के कारण मैं दौड़ नहीं सकता, शिकार कैसे करूं? तू जाकर किसी बेवकूफ से जानवर से बात कर और यहाँ फंसा कर ला, मैं उस झाड़ी में छिपा रहूंगा। गीदड़ को भी शेर की बात जच गई। मैं किसी मूर्ख जानवर की तलाश में घूमता घूमते एक कस्बे के बाहर नदी घाट पर पहुंचा। वहां उसे एक मरियल सा गधा घास पर मुंह मारता नजर आया। वह शक्ल से ही बेवकूफ लग रहा था। गीदड़ गधे के निकट जाकर बोला, प्याऊ लागू चाचा, कमजोर हो गए हो, क्या बात है? गधे ने अपना दुखड़ा रोया, क्या बताऊ भाई, जिस धोबी को मैं गधा हूँ वह बहुत क्रूर है। जिन दिन भर धुलाई करवाता है और चार कुछ देता नहीं। गीदड़ ने उसे न्योता दिया, चाचा मेरे साथ जंगल चलो ना, वहाँ बहुत हरी हरी घास है, खूब चढ़ना, तुम्हारी सेहत बन जाएगी। गधे ने कान फड़फड़ाया, राम राम, मैं जंगल में कैसे रहूंगा, जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। चाचा तुम्हें शायद पता नहीं कि जंगल में एक बगुला भक्ति जी का सत्संग हुआ था, उसके बाद सारे जानवर शाकाहारी बन गए हैं, अब कोई किसी को नहीं खाता, गीदड़ बोला और कान के पास मुंह ले जाकर दाना फेंका। चाचू, पास के कस्बे से बेचारी गधी भी अपनी धोबी मालिक के अत्याचार से तंग आकर जंगल में आ गई थी, वहाँ हरी हरी घास खाकर वह खूब लहरा गई है, तुम्हें उसके साथ घर बसा लेना। गधे के दिमाग पर हरी हरी घास और घर बसाने सुनहरे सपने छाने लगे। वह गीदड़ के साथ जंगल की ओर चल दिया। जंगल में गीदड़ गधे को उसी झाड़ के पास ले गया जिसमें शेर छिपा बैठा था। इससे पहले कि शेर पंजा मारता, गधे को झाड़ी में शेर की नीली बतिया की तरह चमकती आंखें नजर आ गई। वह डरकर उछला, गधा भागा और भागता ही रह गया। शेर बुझे स्वर से गीदड़ के बोला, भाई इस बार मैं तैयार नहीं था, तुम उसे दोबारा लाओ, इस बार गलती नहीं होगी। गीदड़ दोबारा उस गधे की तलाश में कस्बे में पहुंचा, उसे देखते ही बोला, चाचा तुमने तो मेरी नाक कटवा दी, तुम अपनी दुल्हन से डरकर भाग गए, उस झाड़ी में मुझे तो चमकती आंखें दिखाई दी जैसे शेर की होती हैं, मैं भागता ना तो क्या करता, गधे ने शिकायत की। गीदड़ मुदभट माथा पीट कर बोला, चाचा ओ चाचा, तुम भी निरे मूर्ख हो, उस झाड़ी में तुम्हारी दुल्हन थी, जाने कितने जन्मों से वह तुम्हारी राह देख रही थी, तुम्हें देखकर उसकी आंखें चमक उठी तो तुमने उसे शेर समझ लिया। गधा बहुत लज्जित हुआ, गीदड़ की चाल भरी बातें ही ऐसी थी। गधा फिर उसके साथ चल पड़ा। जंगल में झाड़ी के पास पहुंचते ही शेर ने नुकीले पंजों से उसे मार गिरा। इस प्रकार शेर व गीदड़ का भोजन जुटा। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों, कि दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में आने की मूर्खता कभी नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली प्यारी सी कहानी के साथ। बाय बाय।